हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे फेवरेट चैनल पे। आज हम लोग आप लोग के लिए ऐसा यूनिक से ओपी वाला वीडियो लाया हूं, जिसको आप लोग जानने के बाद और ट्रिक को यूज करने के बाद बोलेंगे, भाई ऐसा यूनिक से ट्रिक कहां से लाते हो भाई? ऐसा लगा मेरा मजाक। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को कुछ करना नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसा यूनिक से वीडियो के लिए। और क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और एक अच्छा से कमेंट कीजिएगा और गिव अवे चला चैनल पे जाके चेकआउट कीजिएगा वीडियो कौन सा वीडियो पे गिव अवे है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए चलते पहले ओपी वाला ट्रिक की ओर। सबसे पहला नंबर ट्रिक है कि आप लोगों को क्या करना है, स्केटबोर्ड को ऑन करना है, स्केटबोर्ड लेके क्लासिक पे होगा भाई, क्लासिक पे करना है। इस तरह से आप लोग को उतर जाना नीचे में, और उतरने के बाद कुछ करना नहीं, आप लोग को क्रोनो को यूज करो या फिर मत करो। उसके बाद आप लोग को जंप लगाना, जंप लगाने के बाद ही आप लोग को इसको क्लिक करते रहना है। देखिए किस तरह से करना है आप लोग को पूरा बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट से किया था तो इसका वजह से मैं यहाँ पे फंस गया। यहाँ पे आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करना है, और बता देता हूँ कि इस तरह से करने के लिए आप लोग को मेन टाइमिंग का इंपॉर्टेंट होता है। टाइमिंग करेंगे, जिस तरह से टाइमिंग होता है उसी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इस तरह से यूज करना है, और यूज करने के बाद आप लोग अपना फ्रेंड को सरप्राइज कर सकते भाई किस तरह से क्या है ऐसा, और वो सीधा इसे जंप लगाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जंप लगाएगा तो भाई होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसको क्लिक करते रहना है, मतलब बार बार क्लिक करते रहना जब तक आप लोग को लगता नहीं है जो आप लोग ऊपर में हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग उड़ पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं कुछ अभी कुछ करूंगा नहीं, जस्ट आप लोग को घुमाकर फिराकर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से, देखिए ऑटोमेटिक जा रहा है ना आगे की तरफ, इस तरह से आप लोग भी जा पाएंगे, और यहाँ पे अपने फ्रेंड को भी सरप्राइज कर सकते हो भाई, कैसे क्या सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिक सा ट्रिक है जो कि आप लोग को देख के बग है, जो कि इतने फन कर सकते हैं अपने फ्रेंडों के साथ में, और ये ट्रिक आप लोग को वहीं पर भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से उतरना पड़ता है, जो प्लेस है कि चिनॉक पर भी है टायर, जो कि आप लोग ऊपर से जंप करने के बाद तरह से ट्रिक को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तरह से यूज करके और फन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को सरप्राइज कर सकते हैं। दूर जाते रहेंगे तो वो बोलेगा भाई कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका हेल्थ भी कम नहीं हो रहा, वो जा ही रहा है, ठीक है। आप लोग को उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी बता देता हूँ, ठीक है। उतरने के लिए आप लोग को क्या करना है, नीचे की ओर क्लिक करते रहना, ठीक है। जिस तरह का सेटअप होता है उसको क्लिक करते रहना, देखेंगे ऑटोमेटिक आप लोग धीरे धीरे करके नीचे में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक को यूज करना, और इस तरह से आप लोग नीचे में आ जाएंगे इजीली। ऐसा लगा ट्रिक आप मुझे कमेंट करना ना भूलेगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरा नंबर ट्रिक की ओर। दूसरा नंबर ट्रिक आप लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रेनिंग मोड पे, ठीक है। तो ट्रेनिंग मोड पे आप लोग को क्या करना है, दो कार को इस तरह से लाना है, दो या एक को लाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक चीज को फॉलो करना है आप लोग को, क्या, रिसेट का, ठीक है। तो रिसेट जहाँ पे, देखिए रिसेट करने से कहाँ पे आता है कार आप लोग खुद देख लीजिएगा, उसका बाद ही आप लोग को बता आगे का ट्रिक किस तरह से यूज करना है आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को देखना है पहले रिसेट का कहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे रिसेट किया तो यहाँ पे आ गया ना कार ऑटोमेटिकली, तो आप लोगों को उसका पास में ही रखना है कार को, मगर देखिए जिस तरह से ये कार वहाँ पे आ गया तो मैं इसको रिसेट करूंगा, और रिसेट करने के बाद इसका पास में आ गया ना कार, तो दोनों टक्कर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को चेक कर लेना, सबसे पहले आप लोग को चेक करना है, ठीक है। ये काम करने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को कुछ करना नहीं, आप लोग को जस्ट मतलब की इस कार को लेके आना है आप लोग को, और लेके आने के बाद आप लोग को बता देता हूँ किस तरह से आप लोग को करना है। चलिए मैं कार को लाता हूँ, लाने के बाद देख लीजिए आप लोग खुद ही देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस, और उसके बाद आप लोग को ट्रिक को यूज करना किस तरह से करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इस कार को लाऊंगा, और लाने के बाद क्या करना है, उसका पास में जहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे आ जाऊंगा, और आने के बाद मैं यहाँ पे देखिए रिसेट करूंगा तो कार यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये भी कार यहीं पे रहेगा, देखिए मैं रिसेट करूंगा, और रिसेट करने के बाद देखिए इसका ऊपर में आ गया ना कार। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, पहले चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है, और चलिए चेक हो चुका है। आप देखिए कार इस डायरेक्शन में, देखिए जिस डायरेक्शन में कार है उस डायरेक्शन में हो गया ना, मतलब इस डायरेक्शन में कार को होना है साइड में, ठीक है, एंगल का साइड में हो जाना है, और एक कारण से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो कारण से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जिस तरह से मैं रिसेट करूंगा उस तरह से आप लोगों को भी रिसेट करना है, ठीक है। कार को मैं बार बार रिसेट करूंगा, उसका बाद ही ट्रिक यूज होगा, और बहुत बार आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा तभी इस ट्रिक को कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ग्लिच है कि बार बार नहीं दिखाई देगा आप लोग को, झट से मतलब ऐसा हो जाएगा जो आप लोग को सरप्राइज लगेगा, ऐसा ट्रिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कार को रिसेट बार बार कर रहा हूँ, रिसेट करते रहना, और उसके बाद देखेंगे कार जब आप लोग कार का ऊपर में आ जाएंगे तभी इस ट्रिक को यूज होगा, इस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कार इस डायरेक्शन में हो चुका है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, तब इस डायरेक्शन होने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, रिसेट पे क्लिक करना है। जब आप लोग रिसेट पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक वो कार पलट जाता है, ठीक है। पलटने के साथ साथ वो कार नीचे में चला जाता है भाई, गजब है ना भाई। ये ट्रिक आप लोग को बहुत ही फन कर सकते हैं अपने फ्रेंडों के साथ। और देखिए नीचे जा रहा हूँ, पानी पे आ चुका हूँ, ठीक है। इस तरह से देखिए नीचे में पानी है, मगर ये दिखा रहा है पानी पे कार चल रहा है, और उसका टायर देखने से आप लोग को पता ही है
टायर इस डायरेक्शन में हो जाने के बाद आप लोग को पानी में गार जब होता है तभी इस डायरेक्शन में हो जाता है टायर सब, ठीक है। पानी में जैसे गार चल रहा है मगर नीचे में भी दिखाई दे रहा है, ऊपर में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग फन कर सकते हैं। और अगर एक बात का नोटिस कीजिएगा, उस तरफ आप लोग जा नहीं पाएंगे और आप लोग को क्या करना है, इस तरफ ही आप लोग को घूमना है। जब रिसेट करेंगे तो ऑटोमेटिक उधर ऊपर की ओर चला जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को रिसेट नहीं करना, यहाँ पे फन करना है। जिस तरह से पानी में आने के बाद तैरता है आदमी, उसी तरह से वो भी तैर रहा है। देखिए मैं नीचे में आ चुका मगर यहाँ पे तैर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पानी है मगर दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कार में चढ़ जाइए और चढ़ने के बाद कार को ड्राइव भी कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग फन कर सकते हैं ट्रेनिंग मोड पे और अपने फ्रेंडों को सरप्राइज कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि फ्रेंडों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर हो और उसको भी पता चले इस बग के बारे में और इस ट्रिक के बारे में, ठीक है। और इससे पहले बता दो भाई, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी आप लोग के लिए वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और मैं रिसेट करके भी दिखा देता हूँ किस तरह से रिसेट करना है। तो चले मिलेंगे अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू सून।